अगर हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए खुद संघर्ष करने को तैयार नहीं है तो हम आजादी के हकदार भी नहीं है। देश सेवा एक कुर्बानी नहीं बल्कि सौभाग्य है। क्या हम आने वाले 50 साल वैसे ही गुजारना चाहते हैं जैसे पिछले 50 साल गुजारे थे? एक बुजुर्ग आदमी आम के पौधे लगा रहा था तो रास्ते में जाते हुए किसी ने उनसे पूछा, बाबा अपनी उम्र देखी है, क्या आप जिंदा रहोगे आम के पेड़ देखने तक? तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने पेड़ लगे हुए हैं जिन्होंने मुझे फल और छाया दी है, क्या उन सबको मैंने लगाया था? मेरे पीछे और भी लोग आ रहे हैं। क्या हम आने वाली पुश्तों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? चरित्र निर्माण एक बच्चे के जन्म से ही शुरू नहीं होता बल्कि उससे भी 100 साल पहले शुरू होता है। हमारे युवक इस देश की 100% जनसंख्या तो नहीं बनाते लेकिन 100% भविष्य जरूर बनाते हैं। हेलन केलर से किसी ने पूछा कि ना देख सकने से बुरा क्या हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया, देख सकना और ना देखना उससे भी बुरा हो सकता है। हमारी आज की समस्याएं बीते हुए कल के अदूरदर्शी समाधानों का नतीजा है। कुछ लोग कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी अपने बचपन में है, उसे उभरने में अभी टाइम लगेगा। अक्सर लोग कहते हैं ये शुरुआत की तकलीफें हैं, पर दुख की बात तो यह है ये तकलीफों की शुरुआत है। अगर किसी को बचपन में ही कैंसर हो जाए तो वह जवानी की सुबह कभी देख ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करेंगे बजाय सच्ची निंदा से लाभ उठाने के। क्या आप जानते हैं कि भारत में 1/3 जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है? लगभग 70% भारतीयों को जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक प्रेस रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, साहब आपकी किताब की नकली जाली कापियां बिक रही हैं मार्केट में, आपको कैसा लगता है? मैंने अखबार से एक कागज निकाल के दिखाया उन्हें जिसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में हर साल 4,000 करोड़ की नकली दवाइयां बिकती हैं। मेरी तो सिर्फ रॉयल्टी ही जा रही है लेकिन जो नकली दवाइयां खाते हैं उनकी तो जान जा रही है। और किसी दवाई के पैकेट के ऊपर ये वार्निंग नहीं लिखी होती कि उसे किसी पुलिस ऑफिसर को मत बेचिएगा या जज को मत बेचिएगा या वकील को मत बेचिएगा या पॉलिटिशियन को मत बेचिएगा या उनके बच्चों को मत बेचिएगा, वो भी खाएंगे, उनके बच्चे भी खाएंगे और मरेंगे। आप कहेंगे उसे एक्सीडेंट,
मैं कहूंगा मर्डर। कंट्री फर्स्ट का उद्देश्य है अच्छे लोगों और अच्छे कानून द्वारा अच्छा शासन। इसका सपना है हर भारतीय के लिए इज्जत और प्रतिष्ठा से जीना, जो कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका मिशन है शिक्षा और न्याय के द्वारा आजादी। आजादी किसे कहते हैं? जब एक सच्चा नागरिक कानूनी रास्ता इख्तियार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए खुशी और खुशहाली ला सके। क्या हमें ऐसी आजादी हासिल है? शिक्षा क्यों? शिक्षित इंसान सही और गलत में फर्क बता सकता है। शिक्षित इंसान को आप रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसे गुलाम नहीं बना सकते। प्रजातंत्र में जहां राष्ट्र का भविष्य वोटरों की योग्यता से ज्यादा उनकी संख्या पर निर्भर करता है, वहां पे जितने जागरूक इंसान होंगे उतने ही अच्छे फैसले लेंगे। इंसाफ किसे कहते हैं? सच्चाई को जीवन में उतारने को इंसाफ कहते हैं। लोग इंसाफ चाहते हैं, खैरात नहीं। गरीबी अपराध को इतना बढ़ावा नहीं देती है जितना अपराध गरीबी को देता है। कसूरवार को सजा ना देना इंसानियत पर अत्याचार है। जहां झूठ का बोलबाला हो वहां इंसाफ मिलता नहीं बल्कि बिकता है। जहां इंसाफ नहीं होता वहां नागरिकों की नजरों में कानून के लिए इज्जत हमेशा के लिए गिर जाती है। जब कोई अच्छा अफसर ईमानदारी से काम करना चाहता है, या तो ऊपर से दबाव आ जाता है और या उसकी ट्रांसफर हो जाती है। अन्यायी देश अपने विनाश को खुद दावत देता है। एक भ्रष्ट समाज कभी आजाद नहीं रह सकता। एक भ्रष्ट समाज में कानूनी काम करने के लिए गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। 73% लोग जेलों में अपनी सुनवाई की इंतजार कर रहे हैं कई सालों से। उनमें से बहुत से बेकसूर भी होंगे। आप और हम भी वहां हो सकते थे। अगर होते तो क्या हम नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए आवाज उठाए? और अगर चाहते तो हम उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाते? एक देश सिर्फ नारे लगाने से महान नहीं बनता। देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान काम करते हैं। अगर इंसाफ पाने योग्य है तो संघर्ष करने योग्य भी है। जब रक्षक और राक्षस के बीच में फर्क ही ना रह जाए तो एक आम नागरिक के पास क्या रास्ता रह जाता है? या तो खुदकशी कर ले या बंदूक उठा ले। खुदकशी करता है तो कायर कहलाता है, बंदूक उठाता है तो अपराधी बन जाता है। हमें अपराध में भागीदार होने में और अपराध के शिकार बनने में फर्क डालना पड़ेगा। मैं एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूं और किसी को रिश्वत देके किसी और अच्छे आदमी को बाहर फेंक देता हूं। मैं क्या बन गया? भागीदार। और ये क्या बन गए? शिकार। ये तो लाइसेंस की बात है। अब जीवन मरण की बात कीजिए। किसी का खून बह रहा है, आप उसे अस्पताल ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप किसी को रिश्वत दे दीजिए तो उसे 2 मिनट में ले लिया जाएगा। आपका असूल कहता है कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा। सवाल ये है कि क्या आप उसे मरने दीजिएगा या रिश्वत दीजिएगा? मैं रिश्वत दूंगा। कानूनी तौर पे मैं एक अपराधी बन गया, लेकिन मैंने जान बचाई इंसानियत तौर पे। सवाल ये है कि क्या मैं अपराध में भागीदार था या अपराध का शिकार बन गया? मेरा पूरा विश्वास है कि 99% हिंदुस्तानी सच्चे और ईमानदार हैं। वो अपराध में भागीदार नहीं है बल्कि अपराध के शिकार बन चुके हैं। एक जमाना था जब अपना काम जल्दी कराने के लिए पैसे देने को भ्रष्टाचार कहते थे, लेकिन आज
भ्रष्टाचार जबरदस्ती पैसे ऐंठने को कहा जाता है। अगर आप मुझे पैसे नहीं दीजिएगा तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। जब औदे और वर्दी वाले हफ्ता इकट्ठा करते हैं, इसी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। प्रजातंत्र में हर नागरिक का हक है कि वो बेइंसाफी के खिलाफ शांतिपूर्वक आवाज उठा सकें। अगर आप गांधी जी की जिंदगी देखें, उन्होंने हर अंग्रेजी कानून तोड़ा था। वो कहते थे, आप बनाइए, मैं तोड़ूंगा। जो इंसान कानून तोड़ता है वो अपराधी कहलाता है। तो इसका मतलब ये है, गांधी जी से बड़ा अपराधी कोई था ही नहीं। उन्होंने एक बात कही थी कि देश के कानून से ऊंचा इंसानियत का कानून होता है। गांधी जी ने मद्रास में कहा था, सहयोग देना हर नागरिक का तब तक एक फर्ज बनता है जब तक सरकार उनके सम्मान की रक्षा करती है, और असहयोग भी उतना ही फर्ज बनता है जब सरकार उनके सम्मान की हिफाजत के बजाय उसे लूटने लगती है। सवाल यह उठता है कि लोग सच्चाई की जंग में शामिल क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि यह असुविधाजनक है। जिस समाज में लोग सुविधाओं को असूलों से ज्यादा अहमियत देते हैं, वो समाज हमेशा गिरता चला जाता है और अपने विनाश का कारण खुद ही बन जाता है। लोग आज परेशान इसलिए नहीं हैं कि वो मोहताज हैं, परेशान इसलिए हैं कि वो आजादी की जंग खुद नहीं लड़ना चाहते बल्कि अपने पड़ोसी को लड़वाना चाहते हैं। लोग कहते हैं, आज जरूरत है भगत सिंह की, हमारे घर में नहीं आए लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में आ जाए तो ही ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, शैतान देशभक्ति की आड़ लेते हैं। हर 1,000 शैतानों के पीछे एक देशभक्त भी हुआ है। गांधी जी भी हुए हैं, नेताजी भी हुए हैं, सरदार पटेल भी हुए हैं और भगत सिंह भी हुए हैं। अवसरवादी कहते हैं, हमसे जो थोड़ा बहुत बन पाएगा हम करेंगे। ये सिर्फ जवानी जमा खर्च है, इरादा नहीं। इरादे और इच्छा में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं होता। और जब भी दबाव पड़ता है जिंदगी में, इच्छा कमजोर पड़ जाती है और इरादा और मजबूत हो जाता है। जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, जो देश को चाहिए वो ही हम करेंगे। एक और नस्ल है बरसाती देशभक्तों की। मौका परस्त लोगों के लिए देशभक्ति एक फैशन है। कमजोर इंसान कभी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता और कायर इंसान कभी उसूलों को निभा नहीं सकता। जनता की बुजदिली उनके देश के पतन का कारण खुद ही बन जाती है। अगर हर सिपाही ये कहे, मेरा परिवार है, मेरी घरेलू जिम्मेदारियां हैं, मैं अकेला इंसान हूं, क्या कर सकता हूं, तो क्या हमें आजादी मिलती? क्या वो अनाथ होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं? धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। एक सिपाही ने कहा था कि जब आप घर जाएंगे तो अपने परिवार से कहिएगा कि आपके आने वाले कल के लिए हमने अपने आज को कुर्बान कर दिया। कैसी कमाल की बात है। स्वार्थ के लिए एक गद्दार कुछ भी कर सकता है। और देखिए मजे की बात, देश के लिए एक सिपाही भी कुछ भी कर सकता है। काश एक ऐसा कानून होता कि गद्दारों को कभी देश के पवित्र झंडे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी गद्दार का खून किसी सिपाही की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारी समाज को 3 चीजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1, ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या द्वेष किसे कहते हैं? लोग अपने दुख से इतना तंग नहीं है जितना दूसरे के सुख से तंग है।
लोग अपने आप को उठाना नहीं चाहते बल्कि दूसरे को गिराना चाहते हैं। जिनमें ईर्ष्या होती है ऐसे लोग छुप के नुकसान पहुंचाते हैं और फिर सामने आके सहानुभूति जताते हैं। दूसरी चीज, भाग्यवादी नजरिया। अक्सर सुनते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जो भाग्य में लिखा है तो रोक नहीं सकता, और अगर नहीं लिखा तो आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए आपको मिल नहीं सकता। जब हम इस दुनिया में आते हैं मस्तिष्क पे सभी कुछ लिखा के लाते हैं, हम क्या हैं? हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं अखबार में वैसे लोग इश्तियार भी देते हैं। निराशा को आशा में बदल लीजिए। आपको तकलीफ हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, 151 रुपए भेजिए और 24 घंटे में रिजल्ट लीजिए। भाग्यवादी लोग जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते बल्कि कुछ होने का इंतजार करते हैं। जिसने जिंदगी में कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाता है, और जिसने कुछ नहीं करना उसे आप सब कुछ दे दीजिए वो फिर भी नहीं करेगा। तीसरा है अलगाववादी नजरिया। लोग कहते हैं कि जब तक मुझे तकलीफ नहीं हो रही मैं बीच में क्यों पड़ूं। अक्सर सुनते हैं प्रवचन, सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, दुख में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुख में खुशी नहीं होनी चाहिए, आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं। आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं, ये कैसी जिंदगी है? ये तीनों व्यवहार हीन भावना का नतीजा है। अक्सर सुनते हैं गुस्सा एक कमजोरी है। आप देखिए दुनिया में आज तक कहीं पर भी कोई बदलाव आया है तभी आया है जब किसी को गुस्सा चढ़ा है। जब अंग्रेजों ने गांधी जी को उठा के कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया, गांधी जी को इतना बुरा लगा उन्होंने कहा आपने मुझे इस कंपार्टमेंट से बाहर फेंका है, मैं आपको इस देश से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। क्या किया उन्होंने? उस गुस्से को एक संकल्प में बदल दिया, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका है। अक्सर सुनते हैं पॉलिटिक्स एक बहुत गंदी गेम है। खेल कोई गंदी नहीं होती, सिर्फ खिलाड़ी ही गंदे होते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सोशल वर्क करना चाहता हूं। आप सोशल वर्क और पॉलिटिक्स को अलग कैसे कर सकते हैं? जो सांस हम लेते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है, जो पानी हम पीते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है, जो दवाई हम खाते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है, जो बच्चे हमारी शिक्षा हासिल करते हैं ये पॉलिटिक्स का नतीजा है। हम इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? हर तरह की सामाजिक सेवा इज्जत की हकदार होती है। कई संस्थाएं हार्ट अटैक मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलाती हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को हार्ट अटैक दे रहे हैं उन्हें कौन रोक रहा है? बहुत सी संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाती हैं, लेकिन जो लोग दूसरों का खून चूस रहे हैं उन्हें कौन रोक रहा है? अगर हम इज्जत और प्रतिष्ठा से जीना चाहते हैं तो हमें तीन चीज करने की जरूरत है। एक, देश का हर नागरिक सिपाही बनने को तैयार होना चाहिए। एक सिपाही सिर्फ अपने आप को कुर्बान होने के लिए नहीं पैदा करता बल्कि जो देश को बर्बाद करते हैं उनको भी रोकता है। और दूसरा, अगर बेइंसाफी की वजह से एक सच्चा नागरिक जेल जाता है तो पूरे देश को जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तीसरी चीज, हमें इस देश से उन गद्दारों की नस्ल को उखाड़ के फेंकना है जो अपने स्वार्थ के लिए देश को बेचने के लिए तैयार है। एक दुश्मन किसी देश को तोड़ने का सपना तभी देख सकता है जब उसे मालूम हो कि दूसरे देश की बुनियाद कमजोर है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती बल्कि हर पुश्त को उसे हासिल करने की कीमत चुकानी पड़ती है।
इस देश को आज तक बाहर के दुश्मन ने कभी बर्बाद नहीं किया। जब भी किया है तो हमारे अपने देश के गद्दारों ने ही किया है। अक्सर सुनते हैं कि पावर लोगों को भ्रष्ट बना देती है। इसमें सच्चाई नहीं है। पावर ना तो किसी को भ्रष्ट बनाती है और ना ही किसी को नम्र बनाती है। पावर जो पहले से छुपा हुआ था, जो बीज, उसे उभार के ऊपर ले आती है। कई लोग औहदे और पोजीशन से पावर हासिल करते हैं। औहदा और पोजीशन अगर चला जाए तो पावर भी चली जाती है। औहदा और खिताब पावर देते हैं। IAS, IPS, MD, CEO, मिनिस्टर, पोजीशंस लोगों को अथॉरिटी देती है और अथॉरिटी पावर देती है। लेकिन सिर्फ अच्छे व्यवहार से ही इज्जत मिलती है। इंडियन कॉन्सुलेट ने ह्यूस्टन में 500 जाली पासपोर्ट रिश्वत लेके इशू किए हैं। हम आतंकवाद की बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादी है कौन, जिसको नकली पासपोर्ट मिला या जिसने नकली पासपोर्ट इशू किया। हम लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्टर पीआर हेग, स्विस डिप्टी मिनिस्टर, ने कहा कि हिंदुस्तानियों का 2500 बिलियन डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। इसमें अगर एक टाइपिंग की गलती भी हो तो भी बहुत बड़ी रकम है। ये अंग्रेजों ने 200 साल में इस देश को इतना नहीं लूटा जितना इस देश के गद्दारों ने 50 साल में लूट लिया है। कंट्री फर्स्ट एक्शन प्लान, जो कि समाज हित मुकदमा PIL और इंसाफ के लिए जनता के समर्थन से मुमकिन होगा। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 4000 लेजिस्लेटर्स में से 700 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक समाज खतरे में पड़ जाता है जब आदेश देने का अधिकार उन्हें दिया जाए जिन्होंने खुद कभी आज्ञा का पालन करना सीखा ही ना हो। जिन्हें हम अपने बच्चों का गार्डियन बनाने को तैयार नहीं है, उन्हें हम देश का गार्डियन क्यों बना देते हैं? भारतीय अदालतों में तकरीबन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से करप्शन केसेस सिर्फ 15,000 से भी कम हैं। करप्शन केसेस को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी रोजाना सुनवाई होकर उनका फैसला होना चाहिए, जैसा कि आर्थर एंडरसन केस की अमेरिका में सुनवाई हुई। उससे सिस्टम में सुधार आएगा। गवाह अपने बयान से क्यों बदल जाते हैं? गवाहों को सुरक्षा देने का प्लान हो जिससे गवाह अपनी गवाही न बदल सकें, ऐसे प्रोग्राम विदेशों में बहुत सफलता से चल रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अगर आपकी मां को कैंसर हो तो क्या आप उसे मरने दीजिएगा? हमारी भारत माता को करप्शन का कैंसर है, हम किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? एक बेहतर भारत के लिए समाधान, एक हर नागरिक को इलेक्ट करने के हक के साथ रिजेक्ट करने का हक भी होना चाहिए। 2, गवाहों को सुरक्षा देने का प्लान हो जिससे गवाह अपनी गवाही न बदल सकें और इंसाफ का मजाक न उड़ सके। और 3, भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा करने से समाज में सुधार आएगा। कंट्री फर्स्ट का दीर्घकालीन लक्ष्य है 3 लक्ष्यों को कानून का रूप दिया जाए और अमल में लाया जाए ताकि नागरिक इज्जत और प्रतिष्ठा से जी सकें। हमें अपने आप को बंगाली, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी की बजाय
हिंदुस्तानी समझना है। संघर्ष और तकलीफ के लिए तैयार रहें। आजादी कभी मिलती नहीं है बल्कि हमेशा हासिल करनी पड़ती है। अटल बने, दोगलापन छोड़ें, एक अच्छे नेता या अच्छी पार्टी को पूरा सहयोग दें, एक को दूसरे के साथ लड़ाने का खेल बंद किया जाए। मेड इन इंडिया के लेबल को गर्व और प्रतिष्ठा दें। आप ये वीडियो ले सकते हैं स्कूलों, कॉलेजों में, अस्पतालों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रियों में, रोटरी क्लब में, लायंस में, जूनियर चैम्बर में, एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जागृति पैदा कर सकते हैं। अपने पांव पर खड़े होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और अपने घुटनों को टेक कर भी जीने की कीमत चुकानी पड़ती है। फैसला आपका। हर प्रोफेशनल, चाहे पुलिस वाला हो, जज हो, वकील हो, सच्चाई और ईमानदारी की शपथ लेता है। क्या हम उस शपथ से जी रहे हैं? और अगर जी रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां हम पे गर्व करेंगी, और अगर नहीं जी रहे तो सवाल ये है, क्या हम तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? अगर आप 200 साल इंतजार करना चाहते हैं, आप ही को मुबारक। मैं नहीं करना चाहता। या तो देश बदल जाएगा या मैं बदल जाऊंगा, और अब मैं बदलने को तैयार नहीं हूं, अब देश को ही बदलना पड़ेगा। अगर देश वाली बात है तो सब हम सबसे आगे हैं। पूरे दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का नाम होगा। इफ यू वांट टू लिव विद रिस्पेक्ट देन लर्न टू फाइट फॉर जस्टिस। मैं अकेला देश के लिए खड़ा हूँ। I like to stay in India. और आगे बढ़ेगा। सुजनाम सुफलाम मलयज शिवनाम शश श्यामलाम मातरम वंदे। I would love to change for my country. हम ये शपथ लेते हैं देश के लिए लड़ेंगे और देश के लिए मरेंगे। Yes, I'm proud to be an Indian. देश के लिए जान भी हाजिर है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हम अपने शहीदों का खून बर्बाद नहीं होने देंगे। This is my country. I am responsible to my country and I owe it to my country. अगर हम बदल जाएंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। I'll stand alone for my country. Well, I'm proud to be an Indian and I love to stay. It's a beautiful country. देश का भविष्य काफी उज्जवल है। But if somebody is there to lead the country for a change, I'll definitely support him and will also help generate support for that person. If my country lives, my mother will live. हम एक ऐसी आजादी बनाएंगे जब हर एक नागरिक इज्जत और प्रतिष्ठा से जी सकेगा।